बीजेपी तो ये कह रही है कि बेड़ा गर्क कर दिया है। नहीं, बीजेपी कह रही है तो देख सकते ना, जनता तो देखेंगे ना। अभी कितना टाइम हुआ एमसीडी में आए हुए, तो देखो कितना चेंज हुआ। जो जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता था, अब कहीं पड़ा नहीं रहता कूड़ा। बीजेपी के जो 7 सांसद हैं दिल्ली में, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कह रहे हैं। नहीं, हमने तो सांसद को देखा भी नहीं है। गौतम गंभीर है, देखा नहीं, नहीं को काम बताओ ना, काम क्या क्या उसने, कुछ भी नहीं किया बिल्कुल। हर चीज है सर यहाँ पे। केजरीवाल जी, हम तो ये कह रहे हैं सीएम से जल्दी पीएम बने, हम तो ये चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की टीम इस वक्त है दिल्ली के रिंग रोड इलाके में और ये जगह है मोतीबाग। यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। यहाँ पर सड़क बेहतरीन बनी हुई है, बीच में साइकिल ट्रैक है और फुटपाथ बनाया गया है, हरियाली भी दिख रही है। लोगों से जानेंगे कि आखिर दिल्ली की जो सरकार है और एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी सत्ता में है, वो किस तरीके का जो काम है वो कर रही है। क्योंकि एमसीडी में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया था कि दिल्ली की तस्वीर जो है वो बदल देंगे। साफ सफाई का जिक्र उन्होंने किया कि बेहतरीन तरीके की साफ सफाई होगी। तो देखते हैं किस तरीके के दावे में दम है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं हैं जो यहाँ पर बैठी थी। क्या नाम है आपका? नीमा चौधरी। नीमा जी, ये बताइए, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, अब तो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, कुछ बदलाव हुआ है क्या? हाँ जी, बदलाव हो रहा है बहुत ज़्यादा। साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, सड़कों पे ध्यान दिया जा रहा है और जो फुटपाथ थे उन पे तो बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनकी जो सुंदरता, मेंटेनेंस, कोई गड्ढा तो नहीं है, सीवर तो खुला नहीं है कोई, सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। साफ सफाई प्रॉपर हो रही है जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी? पूरी सफाई हो रही है, हर गलियों में सफाई कर्मी अभी डेली आ जाते हैं, नहीं तो एक दो दिन छोड़ के आ जाते हैं। पहले तो 10-10 दिन तक, महीनों तक आते ही नहीं थे, दिखाई नहीं देते थे। सीवर का जो साफ होता था, सीवर गलियों का, वो 2-2 महीने तक उठता नहीं था, खुद के पैसे से उठवाना पड़ता था। हाँ, अभी कुछ सड़कों के मामले में भी बदलाव हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से ये जो सड़क है वो डेवलप की गई है। कहीं ना कहीं जो यूरोपियन स्टैंडर्ड की बात की जाती थी अरविंद केजरीवाल की ओर से, उस तरीके की ये सड़कें हैं? हाँ जी, सड़कें बहुत शानदार बनी है अभी तो, मतलब गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है, कहीं कोई गड्ढा नहीं दिखता पूरी दिल्ली में। मैं तो घूमती रहती हूँ, मैं सोशल वर्कर भी हूँ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ मैं। अच्छा। तो पूरी दिल्ली में मेरा आना जाना लगा रहता है, हर जगह सफाई, हर जगह सड़कें और अपना जो फ्लाईओवरों के जो कायाकल्प हो रहा है रंगीन, उनको हर तरीके से मतलब अलग अलग डिजाइनों में दिया जा रहा है। और अपने जो केजरीवाल जी ने जो अभी 5 लाख पेड़ तो अभी इसी अपने बारिश के टाइम में लगाए। हाँ, फायदा हो रहा है। हाँ जी, फायदा, पॉल्यूशन बहुत कम है इस बार, क्योंकि जाम नहीं लगता, तो जो गाड़ियाँ खड़ी खड़ी जो पोल्यूशन उड़ाती थी वो अभी चलती रहती हैं, तो जाम। और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें भी उन्होंने रोड पर उतारी हैं। अच्छा। तो जाम बहुत कम हुआ, तो उसकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत कम हुआ है, ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो बेहतर हुआ है। और जो जैसे बारिश नहीं होती है, पेड़ों पर धूल जम जाती है ना, वो तो हेलीकॉप्टर द्वारा बारिश भी कराई जाती है दिल्ली में। जी, कई जगह करवाया उन्होंने, जहाँ पे जहाँ पोल्यूशन का एरिया ज़्यादा है वहाँ पे, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे हिसाब से। तो स्कूलों में भी बहुत चेंजमेंट आए, बसें भी बहुत, एसी की बसें जो हैं बहुत अच्छी करवा दी उन्होंने, स्कूलों में भी बदलाव हुआ है। हाँ जी, स्कूलों में एकदम शानदार, मतलब पढ़ाई। बीजेपी तो ये कहती है कि टीचर वीचर नहीं है, प्रिंसिपल नियुक्त नहीं किया। नहीं जी, अब तो एक, मैं खुद स्कूल में सोशल वर्कर रह चुकी हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, 5 साल। क्या फर्क है मतलब पहले के स्कूलों में और अब? ये है कि अब हर क्लास में अगर एक क्लास अगर पीरियड नहीं है ना, टीचर नहीं है, तो जो सोशल वर्क जो एसएमसी की जो टीम बनाई है ना सरकार की तरफ, दिल्ली सरकार की तरफ से, उनको इतनी अथॉरिटी दे दी है कि अगर टीचर क्लास में एबसेंट है तो टीचर को हटाने का एमसीडी को पावर दे दी है। अच्छा। इतनी पावर एमसीडी को दी हुई है, एमसीडी को नहीं, सॉरी, एसएमसी को। SMC. हाँ जी, ठीक। और स्कूलों में कैमरा, बालकनी में हर जगह, और विंडो, कमरे, पंखे, टेबल, कुर्सियाँ, जो डेस्क आए बड़े शानदार आए, बच्चे भी मतलब रोज स्कूल जाते हैं हम तो। और जो बसों में जो बच्चे आते थे पहले, पेरेंट्स को पता नहीं होता था बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं कि हमारा बच्चा स्कूल पहुंचा या नहीं पहुंचा है। अभी जो दिल्ली सरकार की तरफ जो आई कार्ड बच्चों का बना है ना, उसमें भी एक चिप लगा दी है ताकि पेरेंट्स घर से देख सकें क्लास सही है, बच्चा घर है कोई। सही में चिप लगी है? वो वाली चिप तो नहीं है वो जो 2000 के नोट में बताई गई थी? सर नहीं, अभी मतलब कहीं कहीं आ गई है वो, बाकी सारे स्कूलों में होने वाली जल्दी। इस तरीके का काम भी हो रहा है, ठीक है। मतलब सरकारी स्कूल में इस तरीके की अगर सुविधा दे रही है सरकार, तो कहीं ना कहीं उसकी तारीफ करनी बनती है। हाँ जी, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार अब उसमें, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे हो गए हैं सरकारी स्कूल। अच्छा। हाँ, स्विमिंग पूल, सब बास्केटबॉल और सब टेन कोर्ट हो गए हैं वहाँ पे स्कूलों में, खेलने के लिए, और सब स्मार्ट क्लास हो गई है। ये बोला था आम आदमी पार्टी ने कि जब एमसीडी में आ जाएंगे
तो हम तस्वीर बदल देंगे दिल्ली की। बदली है क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि बेड़ा गर्क कर दिया है। नहीं, बीजेपी कह रही है तो देख सकते ना, जनता तो देखेंगे ना। अभी कितना टाइम हुआ एमसीडी में आए हुए, तो देखो कितना चेंज हुआ। जो जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता था, अब कहीं पड़ा नहीं रहता कूड़ा, सब साफ रहता है यहाँ पे। साफ रहता है? हाँ बिल्कुल, क्या वो तो आप खुद ही देख लो कितना क्लीन है बिल्कुल पूरी दिल्ली हमारी। पहले घूमने भी नहीं जाते थे, अब हम घूमने भी जाने लगे। पार्क देख लो, सड़कें देख लो, जगह जगह लोग बाग कूड़ा ऐसे ही फेंक देते। अब जगह जगह डस्टबिन वगैरह भी व्यवस्था की गई है, शौचालयों की व्यवस्था कर चुके। अच्छा। वे भी कर रहे हैं बिल्कुल। अब जगह जगह काफ़ी पानी की व्यवस्था देख लो, पानी की कितनी व्यवस्था है। बीजेपी तो कह रही है कुछ काम नहीं हो रहा, ये सब ऐसे ही है। नहीं नहीं, फिर वो ऐसे थोड़ी ना जीती थी, अभी पब्लिक ने जो जिताया था उनको दिख रहा है उनका काम दिखा जो भी, तो पब्लिक ने वोट दिया उनको। क्या काम दिख रहा है? सर काम तो सभी दिख रहे हैं, रोड पे आप निकलोगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा। जगह जगह आप नजर मारोगे, रोड जो बन रहे हैं, चौड़ियाँ सड़क हो गई है। ये सड़क चौड़ी नहीं थी, ये फ्लोर इतने बड़े बड़े बना दिए हैं। मेट्रो है, सारी सुविधा सर, बहुत सी सुविधा उन्होंने दी है, जैसे बसों में है साफ सफाई है, लेडीज़ें निकल रही हैं बेधड़क, और हर जगह उन्होंने CCTV कैमरा लगा दिया है। बच्चों के लिए भी है, हर जगह जिम भी है, लेडीज़ के लिए भी जिम हो चुकी है। ठीक है, हर चीज़ है सर यहाँ पे। केजरीवाल जी हम तो ये कह रहे हैं CM से जल्दी PM बने, हम तो ये चाहते हैं। अच्छा। हाँ जी सर, PM तो मोदी जी कह रहे हैं, अगली बार भी मैं ही झंडा फहराऊंगा। सर उनके कहने से क्या होता है, तो जनता के हाथ में है ना, किसको रह कर दुनिया में इतना नाम कर दिया, चंद्रयान उतार दिया उन्होंने। कोई बात नहीं सर, वो तो जो उन्होंने करा वो उनको नजर आ रहा है ना। जो केजरीवाल जी कर रहे हैं वो जनता को नजर आ रहा है। अच्छा। वो जो वो खुद कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, वो सिर्फ वो उन्हीं पे फोकस मार रहे हैं, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने ये करा, सिर्फ वो मैं कर रहे हैं। केजरीवाल जी ये नहीं कह रहे मैं नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं आपका बेटा कर रहा है, जो कुछ कर रहा है पूरे सबको ले के चल रहे हैं वो। बताओ ये तो मोदी जी को कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, सेंट्रल विस्ता का प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, अब G20 हो रहा है, चंद्रयान उतार दिया चांद पे। हाँ जी, बहुत अच्छा काम हुआ चंद्रयान का, तो जो पूरे ऑल इंडिया ओवर में इंटरनेशनल में भी किसी ने नहीं करके दिखाया, जो इंडिया में हुआ है हमारा, पूरे देशों में अपना नाम हो रहा है इंडिया का सबसे फर्स्ट में। इसरो का नाम हो रहा है? हाँ जी, इसरो का नाम हो रहा है, हमारे वैज्ञानिकों का नाम हो रहा है, और इतने शानदार हमारे वैज्ञानिक है, इतना माइंडेड हमारे वैज्ञानिक है कि उन्होंने सबसे पहले अपना चांद पे अपना कदम और अपना झंडा फहरा दिया। सैल्यूट है अपने इसरो को और हाँ जी सोमनाथ। हाँ जी हाँ जी सोमनाथ, इसरो की जो टीम। बिल्कुल जी, मैं पूरी बधाई दी है मैंने पूरे इसरो टीम को। ठीक है, चलिए इसरो की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम MCD की बात करने आए हैं, क्योंकि जिस तरीके के दावे किए गए थे कि MCD में आ जाएंगे तो दिल्ली को चमका देंगे, चमक रही है क्या वैसी? हाँ जी चमक रही है दिल्ली पूरा, और अभी तो कितना टाइम हुआ है, 6-7 महीने हुए हैं दिल्ली में आए। लेकिन विपक्षी नेताओं को तो दिख नहीं रही है, वो तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। देखो जी, सब ऐसे ही है, विपक्ष तो कोई भी होगा तो वो बोलेगा ही ऐसे अपने उसमें, लेकिन जो दिख रहा है वो तो सबको ही दिख रहा है, जनता को दिख रहा है। आप कहीं भी जाके, हम तो हाँ जनता है, हमें क्या करना है, तो वो हमें दिख रहा है ना कि केजरीवाल ने किया है। सड़कें देखो ना, सड़कें कितनी साफ है, क्लीन है बिल्कुल। अरे फ्लोर वगैरह बनाए, ये देखो पहले रोड पार करने में कितनी दिक्कत होती थी, तो अब जगह जगह पार करने के लिए भी लिफ्ट वगैरह बना रही है बिल्कुल। पर आएगी तो बीजेपी? नहीं, बीजेपी तो नहीं आएगी, है दिल्ली में तो नहीं आएगी, नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी, नहीं आएगी दिल्ली में नहीं आएगी। इतने काम कर दिए मोदी जी ने, सिलेंडर भी सस्ता कर दिया। सिलेंडर तो 200 रुपए किया है ना, 1200 करके 200 रुपए कर दिया, तो क्या कम कर दिया, फिर भी देने पड़ेंगे। अब पहले तो 350-400 रुपए, तो 400 सस्ता कर दिया, तो वो पहले कितना था ये देखो ना, पहले 350-400 रुपए था, और अब ये इतना बढ़ा के एकदम से इतना कम कर दिया, तो क्या कर दिया। नौकरी भी तो इतनी दी है मोदी जी ने, मोदी जी ने कोई जॉब, किसको जॉब दिया सर, हमें तो नहीं दिख रहा किसी को जॉब दी है, उल्टा खत्म नहीं हुई, नहीं है उल्टा और बढ़ गई है, और परेशान हो रहे हैं। मतलब जो बेचारे बच्चे BA MA करके भी वो घर में बैठे मक्खी मार रहे हैं, क्योंकि उनकी जॉब ही खत्म कर दी है, आर्मी की जॉब खत्म कर दी है। ठीक है, यहाँ तक कि जिनकी पेंशन थी सब, वो सारी चीज़ें तो उन्होंने ख़त्म कर दी है। 2004 से जो भर्ती होगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ सैलरी मिलेगी, रिटायर होने पे उसको पेंशन मिल गई तो मिल गई, वो भी बंद कर दी है। अच्छा। हाँ जी, और जो पहले के थे भाई, 2004 से पहले के जो भर्ती है उनका तो है, लेकिन उसका तो बिल्कुल ही उन्होंने, मतलब आर्मी को तो ऐसे कर दिया है जैसे ये लगा लो कूड़ा होता है ना, वो बांध कर डस्टबिन में डालना, वो वाला सिस्टम कर दिया मोदी जी ने। बाकी तो
अरे मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया, टमाटर बताओ 250 किलो हो गया था, अब सस्ता होके 60 किलो हो गया, तो क्या फायदा है? क्या फायदा, हमने तो एक मिनट टमाटर भी नहीं खाए थे जब महंगा हुआ था। बिना टमाटर के सब्जी बनी थी हमारे घर में। अच्छा। बिल्कुल टमाटर तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया बिल्कुल भी। तो ये बोल रहे हैं सस्ता हो गया 60 रुपए किलो, तो प्याज महंगी कर दी, क्या फायदा हुआ? प्याज भी तो महंगी कर दी। अच्छा। कुछ ना कुछ मतलब खाने की कुछ ना कुछ वैरायटी तो महंगी करते ही हैं ये लोग। अभी टमाटर सस्ते हुए तो प्याज महंगी कर दी, अभी देखना अभी क्या क्या महंगा देंगे। अभी बीजेपी के जो 7 सांसद हैं दिल्ली में, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कह रहे हैं। नहीं, हमने तो सांसद को देखा भी नहीं है। गौतम गंभीर है, देखा नहीं उनको? उनका काम बताओ ना, काम क्या क्या उसने, कुछ भी नहीं किया बिल्कुल भी। अभी हमारे सांसद अभी आए, अब उनका काम देखना। अभी कितना टाइम हुआ एमसीडी में आए? कौन से एमसीडी में? मेयर जो है। हाँ, अब उनका काम देखो कितना है, वो शैली जी, ओबराय शैली जी कितना अच्छा अच्छा काम कर रही है हर चीज पे। धूप में निकलती है ना, आंधी देखती ना तूफान देखती। बीजेपी वाले भी निकलते थे? नहीं निकलते, मैंने तो नहीं देखा कभी भी। अच्छा। हाँ, पार्षद मिलते नहीं थे आपको? नहीं मिलते। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के काम जो हैं एमसीडी में आने के बाद जो है वो दिल्ली में किए जा रहे हैं। यहाँ कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है मित्र? सर सचिन सहरावत। सचिन, ये बताइए एमसीडी में आम आदमी पार्टी के आने के बाद से कुछ बदलाव दिख रहा है या यूं कहें कि बेड़ा गर्क हो गया दिल्ली? नहीं सर, पूरा बदलाव दिख रहा है, बेड़ा गर्क की सर कोई बात ही नहीं है। हाँ। पूरा बदलाव है दिल्ली में। बीजेपी तो कह रही है बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ नहीं हुआ काम। सर बीजेपी का काम है कहना। हाँ। वो भी झूठ कहना, सच्चाई कहने। जिस दिन वो सच बोलने का सामना कर लेगी सर, उस दिन को पता लग जाए आम आदमी पार्टी ने कितना काम कराया दिल्ली में। क्या काम कराया सर? आप देख लो, यहाँ पे पहले मिट्टी उठती थी, वो जो पैट ट्रैक था वो भी नहीं था, सब कुछ साइकिल ट्रैक तक बना दिया है। पहले रोड लोग बाग नीचे चलते थे, रोड पे एक्सीडेंट भी हो जाते थे, और अब देखो आप इतनी सफाई है यहाँ पे, आपको एक और साफ सफाई वाले चलते रहते हैं पूरे दिन, एक बार सुबह काम करेंगे फिर शाम को काम करेंगे। काफ़ी काम करा सर उसने। काम हुए कुछ? काम हुए हैं सर बिल्कुल। क्या काम हुए? पहले रोड पे गड्ढे काफ़ी होते थे, अब तो रोड भी अच्छे बन गए हैं दिल्ली के अंदर, और काफ़ी काम हुआ, जैसे हरियाली वगैरह काफ़ी हो गई दिल्ली के अंदर, ग्रीनरी ज़्यादा है और साफ सफाई भी ज़्यादा रहने लगी है। पहले गुटखा वगैरह खा के बंदे थूक भी देते थे, आजकल सफाई ज़्यादा चल रही है जो दिल्ली के अंदर। ये कहा जा रहा है LG करा रहे हैं सब कुछ? LG सर, LG की तो क्या बोले सर, हमें तो सर दिल्ली सरकार का पता है, वो काम करा रहे हैं, हम तो इतना वो करते नहीं है सर, जो हमें मालूम है हम तो वही बोल सकते हैं सर। ये जो दिल्ली सरकार और LG के बीच में जो खींचादान चलती रहती है, इससे दिल्ली का नुकसान हो रहा है क्या? सर देखो, नुकसान तो यही है, जो काम हमारे जो हमें टाइम अपना काम करने पे लगाना चाहिए दिल्ली सरकार को, वो बीजेपी वाले झूठी बातें करके, कभी LG है कभी मनीष सिसोदिया जी है कभी वो करके हमारा टाइम ख़राब करते हैं इनका, दिल्ली सरकार का, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। अपने काम पे वो खुद भी काम करें, इनको भी काम करने दें। और केजरीवाल तो जी फिर भी वो ऐसे है कि उनकी उनसे लड़ भी रहे हैं इन चीज़ों के लिए कि हम ऐसे नहीं हैं, और अपना काम भी साथ साथ चल रहे हैं। और बीजेपी वालों के पास सिर्फ एक है कि इनके ऊपर आलोचना लगाओ, ये करा इन्होंने वो करा, और किसी कुछ काम ही नहीं करते रहे। 2024 के इलेक्शन है दिल्ली में, 7 सीट जो है दिल्ली वालों ने बीजेपी को दी थी पिछली बार। सर वो पिछली बार चली गई, गलती से चली गई, जनता की आंख नहीं खुली थी, अब जनता को सब पता लग रहा है कौन क्या कर रहा है। कुछ तो किया होगा जो 7 सीटें उनको मिली। सर कुछ नहीं किया हमारी नज़र में सर, किया नहीं। बाकी केजरीवाल ने जो काम करा है वो आपको दिख भी रहे हैं, हमें भी दिख रहे हैं, और अगर आप कुछ काम कराओगे हमें बताना चाहिए आपने काम कराया है उसका। वो बीजेपी वो ये चीज़ बोलती नहीं है कि आम आदमी ने काम कराया है, उनको सिर्फ बीजेपी दिखती है, सिर्फ बीजेपी और कुछ नहीं। इस बार क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव में, जो ये 7 सीटें हैं क्या होने वाला है? कुछ हवा बदल रही है या यूं कहें कि एक तरफा बीजेपी ले जाएगी? नहीं सर, एक तरफा तो नहीं है सर। देखो जो जनता है, जो दिल्ली में काम चल रहा है, जो आम आदमी ने काम करवाया है सर आम आदमी पार्टी ने, तो उसके हिसाब से तो सर काफ़ी चेंज आना चाहिए। अच्छा। तो ये तो हमें लग रहा है सर, जो अंदर से फीलिंग है तो हमें तो ये लग रहा है सर। जैसे गौतम गंभीर की बात की जाती है, बोल रहे हैं कि अच्छा काम करते हैं, वो है क्या सर? ऐसा कुछ भी नहीं है। गौतम गंभीर सर आपने भी देखा होगा, कितने बार हमने उनकी वीडियो वायरल देखी है कि वे गौतम गंभीर सर, उनको सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ से ही टाइम नहीं मिलता। आज आप बोल रहे कि आज आप उनके एरिया में जाओ, अगर उनके यहाँ की एक जनता ये बोल दे गौतम गंभीर ने अच्छा काम किया है तो हमें बता देना सर, आप एक भी काम उन्होंने ठीक से नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। कूड़े का पहाड़ हमने बहुत नीचे ला दिया था सर, वो पता है वो कूड़े का पहाड़ सबको पता है कौन नीचे लेकर आया है? केजरीवाल सरकार के अंडर में सारे काम होने लग रहे हैं, बीजेपी के अंडर में एक भी काम दिखा रहा हूँ। आज से पहले कांग्रेस थी, बीजेपी थी, आज से पहले दिल्ली में या फिर कहीं भी कुछ काम हुआ? आम शिक्षा स्वास्थ्य में भी कुछ हुआ है क्या सर? शिक्षा वगैरह में बहुत कुछ हुआ है सर, पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है अभी इस टाइम पे, और स्कूलों में भी काफ़ी अच्छी
सफाई वगैरह, बेंच वगैरह नए लाए गए हैं। जैसे आज के टाइम में जो दिल्ली में पहले गवर्नमेंट स्कूल होते थे, कोई उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी, पर जब से दिल्ली सरकार आई है, केजरीवाल जी आए हैं, जब से काफ़ी स्कूलों पे ध्यान दिया जा रहा है और काफ़ी बच्चों पे यूनिफॉर्म वगैरह पढ़ाई पे भी, और स्विमिंग पूल लाए गए हैं सर, अब इसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है सर दिल्ली के अंदर। और जो ये यूरोपियन स्टैंडर्ड की बात की जाती थी आम आदमी पार्टी के लीडर्स की तरफ से कि सड़कें ऐसी बना देंगे, वैसा हो रहा है क्या? बिल्कुल सर, सड़कें नहीं, गाँव की गलियां तक भी वैसी बन रही है। आप लाइट वगैरह देखोगे जो स्ट्रीट लाइट होती है उनमें भी काफ़ी चेंज किया गया है। जो यूरोप में कंट्री में लाइट होती है स्ट्रीट लाइट, वो वाली लाइट लगने लग गई है। अच्छे वाले पैड ट्रैक बन गए हैं, साइकिल ट्रैक बन गए दिल्ली में। आप किसी भी खाली से एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में आप किसी भी एरिया में चले जाओ आपको सारा बदलाव दिखाई देगा दिल्ली में। और घर घर हर गाँव में मोहल्ला क्लिनिक है, डॉक्टर 24 घंटे मिल जाते हैं वहाँ पर, डिस्पेंसरी उन्होंने खुलवा दिए हैं, बिल्कुल सब कुछ मुफ्त में चल रहा है। बीजेपी वाले क्या बोलेंगे इस बात को कि मुफ्त के खाने की आदत है? भाई तुम मत खाओ ना, मना कर दो नहीं खाना, वहाँ पे फॉर्म भर दो, हमें बिजली नीचे है, मैं नीचे है। मैं आपको बीजेपी के इतने कार्यकर्ता दिखा दूँ, वहाँ पे जाके बैठेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में जाके बैठेंगे, बुराइयाँ करेंगे केजरीवाल की, पर दवाइयाँ उनकी चाहिए, बिजली उनका चाहिए, पानी उनका चाहिए, हर जगह ऐसा ही है। ठीक है, चलिए। तो ये तमाम लोग थे दिल्ली के जो जिनसे हमने पूछा कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है और एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी अब आई है, शैली ओबराय मेयर है, उनके आने के बाद से दिल्ली में किस तरीके के काम हुए हैं, क्या जो दावे किए जाते थे उन दावों में कितना दम है,